बलौदा बाजार के भाटापारा क्षेत्र में सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम प्रस्तावित है, जेकर ठीक पहली भाटापारा ला स्वतंत्र जिला बनाए के मांग लले के अधिवक्ता संघ भाटापारा न्यायालय परिसर में एकत्रित होके सैकड़ों अधिवक्ता मन एक स्वर में भाटापारा ला जिला घोषित करे बर आवाज उठाइन। बता दन एकर पहली कई समाज के द्वारा रैली, पोस्टर और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए जिला के मांग करे गए। ये अवसर में अधिवक्ता संघ के कहना है कि 40 साल पहली दुबे आयोग हा भाटापारा ला पृथक राजस्व जिला बनाए के अनुशंसा कर दे रही, लेकिन जनप्रतिनिधि मन के उदासीनता के चलत आज तक एमा अमल नहीं करे गई, नहीं तो भाटापारा कब के जिला बन गए रहतीस। ये दौरान कई सरकार आईस और चल दीस, लेकिन भाटापारा ला पृथक जिला घोषित नहीं करे गई। अब ये लड़ाई जब तक भाटापारा जिला नहीं बन जाही तब तक जारी रही। जिला बनाए खातिर जनता की भी मत है और वकील मन की भी मत है और यह जिला बनने से भरपूर विकास हो। अब जतका हमार कांग्रेस के मन है तत्का जिला संघर्ष कमिटी के बड़े बड़े नेता है, परंतु एक कोने में हिम्मत नहीं की यदि कहीं जिला नहीं बने तो हम इस्तीफा देबो करके। एक बात मुझे अच्छा तरह से याद है, बलौदा बाजार में जब जिला के बात हो तो लक्ष्मी वर्मा एक बात कही, श्रमण सिंह यदि जिला नहीं बने तो इस्तीफा दे दो। अब प्रश्न है जिला कैसे बनी? अरे खैरागढ़ में दो थे विकास कर लेते लगते बना देती है तो दुनिया भर के कानून कायदा लगावा था कि ये वो नहीं कहकर और कोई भी पात्रता से कम नहीं भाटा पा रहा। व्यापारिक दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से, ग्राम पंचायत का इतना बता देता हूँ। अधिवक्ता संघ लगभग 40 वर्ष पूर्व से ही भाटापारा को पृथक जिला बनाने की मांग कर रहा है शासन से, चाहे वो बीजेपी सरकार आए चाहे कांग्रेसी सरकार आए, लगातार चल रहा है। लेकिन 27 जिला के बाद 28वां जिला बनना था लेकिन अभी तक बन नहीं पाया। माननीय हमारे जो नंद कुमार पटेल जी थे आए थे यहाँ पर भाटापारा जिला बनाने के लिए, उसने भी घोषणा किया था कि जब कांग्रेस का सरकार आएगा तो हम पृथक जिला भाटापारा को बनाएंगे। उसी प्रकार जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में भूपेश बघेल जी ने, उसने भी आदिवासी सम्मेलन में भाटापारा आए थे तो उसने भी मतलब कांग्रेस सरकार के पूर्व उसने घोषणा किया था कांग्रेस सरकार आएगा तो हम जिला बनाएंगे।